और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये त्यौहार थोड़ी सी मुश्किलें लोगों की बढ़ने जा रही हैं और इसके पीछे वजह है रेलवे ने अब त्यौहार के बीच मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल प्रदेश से गुजरने वाली 72 ट्रेनों को रद्द किया है। प्रदेश की 5 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया तो 22 ट्रेनों के रास्ते में बदलाव किया है। 4 से 20 अगस्त के बीच परिचालन पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। राजनांदगांव कलमना के बीच काम चल रहा है और इस काम की वजह से 72 ट्रेनों को रद्द किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, त्यौहार है, राखी का त्यौहार है, बड़ा महत्वपूर्ण ये त्यौहार हो जाता है और इस वक्त इस त्यौहार के दौरान लोगों को इधर से उधर सफर करना ही पड़ता है। लेकिन कलमना स्टेशन से तीसरी लाइन को जोड़ने का काम चल रहा है, उसके चलते 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच ट्रेनों के परिचालन पर प्रभाव पड़ेगा और यही वजह है कि प्रदेश से गुजरने वाली 72 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा जो प्रदेश की 5 ट्रेन थी उनको शॉर्ट टर्मिनेट किया है और 22 ट्रेनों के रास्ते में बदलाव किया है, यानी कि रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। तो 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच पूरी तरह से परिचालन प्रभावित रहेगा और यही वो समय रहेगा जब रक्षाबंधन का त्यौहार रहेगा और इस दौरान यात्रियों को, लोगों को खासी परेशानियां हो सकती हैं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिखर देवांगन सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, राखी का त्यौहार है और इसी बीच 72 ट्रेनें प्रदेश से गुजरने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया है, कितनी बड़ी परेशानी लोगों के बीच हो सकती है? देखिए, आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए जो ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। रेलवे हर बार कवायद करता है कि जो ट्रेनें चल रही हैं उस पर एक्स्ट्रा कोच लगाने की, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है और लोगों को बहुत ज़रूरी भी होता है त्यौहार में अपना घर जाना, इसीलिए रेलवे वैकल्पिक व्यवस्था करता है। लेकिन त्यौहार से ठीक पहले 72 ट्रेनें जो हैं वो छत्तीसगढ़ से जो गुजरने वाली ट्रेनें हैं उनको रद्द कर दिया गया है और ट्रेनों के रद्द होने से एक बार फिर से मुश्किलों का सामना प्रदेश की जनता को करना पड़ सकता है, क्योंकि जो ट्रेनें रद्द की गई हैं उनमें कुछ ऐसी ट्रेनें भी हैं जिनमें रिजर्वेशन कंफर्म किया गया था लेकिन उन ट्रेनों का रद्द कर दिया गया है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो है फिलहाल नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये कारण बताया जा रहा है कि तीसरी रेल लाइन को लेकर काम किया जाएगा और यही वजह है 4 तारीख से 20 तारीख तक ट्रेनें रद्द रहेंगी और राजनांदगांव से कलमना के बीच तीसरी रेल लाइन का आधुनिकीकरण किया जाएगा और इसी को लेकर जो है प्रदेश से गुजरने वाली करीब 72 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया शिखर जानकारी के लिए।